सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आइयो पच्चे होंगे, मैं केपी संत आप सभी का काफ़ी दिनों के बाद मैं एक अपडेट वाला हूं। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि अभी हूं मैं उज्जैन में, और उज्जैन में महाकालेश्वर के दर्शन करने गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए। दोस्तों आगरा ग्वालियर इंदौर मुंबई हाईवे, उस पर अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, बीच बीच में उसके फ्लाई ओवर्स बनाए जा रहे हैं, तो वही आप सभी को देखने के लिए मिलेगा इस वीडियो में। तो आप सभी बने रहो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत के चैनल पर दोस्तों। और आप सभी से एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं और आप सभी को दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या काम चल रहा है इस टाइम पे, क्योंकि हम मुझे ज़्यादा तो पता है नहीं खासकर मध्य प्रदेश के बारे में, लेकिन उस हाईवे से निकलता हुआ जा रहा था तो कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी को दिखा दिया जाए कि आने वाले टाइम में वो भी बिल्कुल बन के कम्प्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो आप सभी को बता दूँ कि एक तो उज्जैन से इंदौर तक का आप लोगों को कंस्ट्रक्शन देखने के लिए मिलेगा, जो कि आगरा ग्वालियर और इंदौर होते हुए मुंबई के लिए निकल जाता है हाईवे, उसका आज अपडेट देखो। अगला आप लोगों को अपडेट देखने के लिए मिलेगा दोस्तों इंदौर से लेकर और खंडवा तक, जो कि ओम कालेश्वर के लिए जाता रास्ता, उस पर भी अभी 4 लेन हाईवे बनाया जा रहा है, उसकी टनल भी बनाई जा रही है, तो वो आप सभी को अगली वीडियो में देखने के लिए मिलेगा केपी संत के चैनल पर दोस्तों। तो चलते हैं और दिखाते चल के आप लोगों को, देखो ये रिजेक्ट पेमेंट से पूरा हाईवे बना हुआ है, यानी कि कंक्रीट से बना हुआ ये हाईवे, 3 लेन का ये हाईवे है दोस्तों, तो काफ़ी लंबा चौड़ा है। तो अभी तो ये बाजारों से निकल के जा रहे हैं उस हाईवे पर, जब हाईवे पर पहुँचेंगे तब आप लोगों को कंस्ट्रक्शन देखने के लिए मिलेगा उस जगह का। तो आप बने रहो और देखते रहो ऐसे ही वीडियोस। तो देखो यहाँ से ये पहाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, ये हाईवे आ चुका है और आप लोगों को इसका कंस्ट्रक्शन वर्क देखने के लिए मिलेगा कि कहाँ कहाँ पे फ्लाई ओवर्स बनाए जा रहे हैं, अंडरपास बनाए जा रहे हैं, बाकी तो ये पहले ही बन के कम्प्लीट हो गया था, लेकिन थोड़ा सा काम बचा हुआ है अभी इसके अंदर। लेकिन भाई साहब हाईवे बड़ा फर्राटेदार है, बहुत अच्छा हाईवे है। अब देखो यहाँ से आप लोगों को कंस्ट्रक्शन देखने के लिए मिलेगा कि जहाँ पर वर्क चल रहा है तेज़ी के साथ में। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए और बताया जाए, और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना दोस्तों, क्योंकि थोड़ा मैं एक्टिव नहीं हूँ अभी मैं अपने चैनल पर, और एक्टिव मैं बहुत जल्दी होने वाला हूँ दोस्तों, थोड़े से वक्त लग रहा है और वक्त लगने के बाद में बिल्कुल काम आसान हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर पियर बनाकर पियर कैप का काम हो रहा है, पियर कैप भी बन चुके हैं, अब इनकी सेटरिंग को निकालने का काम किया जा रहा है, फिर उसके बाद में सेटरिंग निकल जाने के बाद में इस पर गाटर लॉन्चिंग की जाएगी, गाटर लॉन्चिंग कर देने के बाद में फिर आपको पता ही है। देखो यहाँ पर ये इस पियर पर सेटिंग लगाई जा रही है पियर कैप बनाने के लिए, और जब पियर कैप बन जाएंगे फिर उसके बाद में दोनों साइड के रैंप बनाए जाएंगे, आरी पैनल को लगाया जाएगा साइडों से, उसमें मिट्टी डाली जाएगी, फिर कंक्रीट भरा जाएगा, तब जाके उसका रैंप तैयार होगा। तो अभी यही काम चल रहा है जगह जगह पर, तो आप लोग बने रहो इस वीडियो में एंड तक, आप सभी को देखने के लिए मिलेगा बहुत कुछ, मैंने सब कुछ दिखाया है रिकॉर्ड करके। तो ऐसे ही वीडियोस आप लोग देखो और मुझे थोड़ा सा इंटरटेन करो दोस्तों, क्योंकि मैं क्वालिटी बेहतर क्वालिटी के चक्कर में लगा पड़ा हूँ, इसी वजह से मैं अपडेट नहीं ला पा रहा हूँ पर डे। तो दो देख आप सभी देखो कि यहाँ पर भी सारे पियर बन चुके हैं और पियर कैप का अब काम स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर भी लंबा चौड़ा फ्लाई ओवर बना रहे हैं, और इधर ये देखो आरी पैनल लगा दिए इन्होंने साइड में, और मिट्टी का काम स्टार्ट हो चुका है। देखो दोनों साइड में ज़्यादा नहीं चमके हो क्योंकि धूल मिट्टी आ गए है, तो देखो ये आरी पैनल को दिखाई दे रहा होगा आप सभी को, ज़्यादा तो नहीं दे रहा होगा लेकिन थोड़ा बहुत ही नज़र आ रहा होगा आप सभी को, कोई नहीं उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंस्ट्रक्शन देख लो चल रहा है नहीं चल रहा है, क्योंकि मैं हाँ हवा हवाई तो करता हूँ नहीं। देखो ये लगे हुए हैं ना आरी पैनल, दोनों साइडों में आरी पैनल लगा के मिट्टी का अर्थवर्क कर रहे हैं, और मिट्टी को एक सार करने के बाद में फिर इस पर रोरी बजरी की लेयर डाली जाएगी, फिर उस पर ब्लैक टॉप किया जाएगा, तो अभी काफ़ी प्रोसेस है,
अभी काफ़ी लंबा टाइम है, तो ऐसे ही वीडियोज देखो क्योंकि मैं लाता रहता हूँ और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। और काफ़ी लंबा चौड़ा हाईवे है दोस्तों, आप लगा लो ना, आप आगरा से स्टार्ट होता है ये, ग्वालियर जाएगा ये होते हुए इधर इंदौर, और ये इधर होते हुए सीधा निकल जाएगा नासिक होते हुए मुंबई में एंटर हो जाएगा ये, तो काफ़ी लंबा चौड़ा हाईवे है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका अपडेट दिया जाए आप सभी लोगों के बीच में, क्योंकि सबका ही आना जाना रहता है। आज की डेट में इंदौर भी जाना पड़ता है, उज्जैन भी जाना पड़ता है, हर जगह जाना होता है। तो आप लोगों को ये दिखना चाहिए कि भाई कौन सा हाईवे सही हो रहा है, कौन सा बना पड़ा है, क्या काम चल रहा है। वो ऐसे ही इंफॉर्मेशन देखो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। देखो अभी काम चल ही रहा है, काफ़ी लंबा चौड़ा स्ट्रेच है ये, आपको इंदौर तक मिलेगा। आप लोगों को बता दूं कि उज्जैन से लेकर इंदौर तक के बीच में आप लोगों को ऐसा ही कंस्ट्रक्शन बीच बीच में देखने के लिए मिलेगा, जो कि यहाँ पर फ्लाई ओवर्स अंडर पासिस बनाए जा रहे हैं दोस्तों। ये देखो यहाँ पर ये दोनों पियर बन के पियर कैप का काम भी हो चुका है, अब इस पर गाटर लॉन्चिंग की स्टार्टिंग कर दी जा चुकी है, गाटर लॉन्चिंग भी स्टार्ट हो जाएगी अब जल्दी। आप लोग देखो तो जल्दी बन के कम्प्लीट हो जाएगा, फिर जाम जूम से ये दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। देखो अभी कितना स्लो डाउन है, नहीं है, तो इसी वजह से यहाँ पर ये फ्लाई ओवर दिया गया है जिस पर पियर कैप का काम हो चुका है दोस्तों। पियर कैप बन चुके हैं, इनकी सेटिंग को उतारा जा रहा है, उतारने के बाद में इन पर गाटर लॉन्चिंग कर देंगे, गाटर लॉन्चिंग कर देने के बाद में इस पर फ्लोर वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। और फ्लोर वर्क हो जाने के बाद में फिर तो आपको पता ही है, उसको फिर इस पर ब्लैक टॉप कर दिया जाता है, इसकी फिनिशिंग करके और ब्लैक टॉप हो जाता है। तो जल्दी मतलब कि टाइम लगता है, जो स्ट्रक्चर बढ़ाते हैं रोड के बीच में उस स्ट्रक्चर को खड़ा करने में बहुत सारा टाइम लग जाता है, तो इसी वजह से यहाँ पर लेट काम होता है। और ग्रीन फील्ड में तो बस मिट्टी डालनी है, एक सार करनी है और बस, बहुत जल्दी काम हो जाता है ग्रीन फील्ड एरिया में। लेकिन ब्राउन फील्ड एरिया में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कॉलोनी होती है, आम जनता का निकलना पड़ना होता है, उसको भी देखना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है, तो इसी वजह से दिक्कतों का ज़्यादा ही सामना करना पड़ता है दोस्तों। आप लोग देख सकते हो आरी पैनल लगाए जा रहे हैं, आरी पैनल रखे भी गए हैं इस रोड पर, और ये बन के जल्दी मतलब कि एक डेढ़ साल में बिल्कुल ये हाईवे कम्प्लीट हो जाएगा बन के, जितने भी इस पे फ्लाई ओवर्स अंडर पासिस बनाए जा रहे हैं वो सारे बनके बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाने हैं डेढ़ से दो साल के अंदर अंदर। तो मैंने इसीलिए आप सभी को ये अपडेट दिया है, और अगर मौका मिला दोबारा जाने के लिए तो मैं आप सभी को फिर से दिखाऊंगा, और आप लोगों को इंदौर का भी टूर देने की मैं कोशिश करूँगा, कि सब कहते हैं कि देश का सबसे बड़ा शहर स्वच्छ सुंदर वो इंदौर ही है। तो इस बार तो टाइम नहीं मिला, लेकिन अगली बार आप लोगों के कमेंट का मैं इंतज़ार करूंगा और उस पर खरा भी उतरूंगा, तो आप लोग बताना मुझे और फिर मैं आप लोगों को दोबारा अपडेट अच्छे तरीके से देने की कोशिश करूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस।